आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हाय, वेलकम टू अनी फैशन। चलिए इस भाग में आपको दिखाते हैं सूट का एक सुंदर सा डिज़ाइनर गला जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आज हम दिखाने जा रहे हैं गले का डिज़ाइन। सूट जो कटिंग करके रखा हुआ है, इसको ऊपर गले की तरफ से हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच का हम आधा करेंगे तो 3.25 इंच। इस तरीके से हम 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 3.25 इंच पे लगा लिया है और फिर उसके बाद कट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने गले की चौड़ाई का कट लगाया। अब हम गला काटेंगे बुकरम के ऊपर। ये हमने बुकरम ले रखी है। बुकरम की चौड़ाई है 8.5 इंच। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे बराबर करके। ऊपर की तरफ से हम गले की चौड़ाई लगाएंगे जैसे हमने आगे के पल्ले पे लगाया था। इस तरीके से गले की चौड़ाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद इस निशान से हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई है 7.5 इंच है। 7.5 इंच है तो हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। 1/2 इंच हम ऊपर के लिए कंधे के मार्जिन के लिए हम बढ़ाएंगे। इस तरीके से गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे। और जैसे हमने ऊपर गले की चौड़ाई का निशान लगाया था 3.25 इंच, तो इस तरीके से हम गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इस निशान से और ऊपर तक मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे। इसको हम पलट करके इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। दोनों साइड निशान लगाने के बाद हमने पूरी बुकरम को खोल दिया चौड़ाई में। फिर उसके बाद हम एक साइड से हम इस तरीके से शेप लगाएंगे जैसे हम 5 शेप के लिए लगाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने लगा दिया ये। फिर उसके बाद दूसरी साइड भी हम इस तरीके से शेप देंगे। इस तरीके से ये हमने गले की शेप दे दी है। अब हम कटिंग करेंगे। ये हमने अंदर से गले की शेप की कटिंग कर ली है। अब बाहर की साइड से हम 1/2 इंच पट्टी पूरी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये गला कटिंग करा है। फिर उसके बाद हम इसको हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। बराबर करके फिर हम लंबाई नापेंगे गले की इस तरीके से। 7.5 है तो 8 इंच पे हम ऊपर निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमने ये गले की कटिंग कर ली है। एक साइड से हमने ये 5 शेप की, जैसे 5 शेप बनाते हैं उसी तरीके से शेप दी है, निशान लगाया है।
फिर उसके बाद दूसरी साइड से जैसे हम राउंड में शेप देते हैं उसी तरीके से हमने ये एक साइड हमने इस तरीके से दिया और नीचे जैसे हल्का सा वी कट में हम निशान लगाया है वी कट की तरह। अब हम इसको कपड़े पे के ऊपर रखेंगे, इसके कपड़े के ऊपर रखेंगे। कपड़ा इतना होना चाहिए कि गले से कम आधा एक इंच ज़्यादा होना चाहिए। और जो कपड़े के ऊपर हम गला रखेंगे इस तरीके से रखेंगे, ध्यान रहे जहाँ जैसे हमने निशान लगाया है उसी वही निशान की तरफ ऊपर की तरफ रहना चाहिए कपड़े के, और इस तरीके से नहीं रहना चाहिए नहीं तो गला जो है ख़राब हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से रखेंगे जो हमने निशान लगाया है कपड़े के ऊपर, इसके ऊपर ऐसे हम रखेंगे और रखने के बाद ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हम ऊपर से सिलाई लगा करके फिर उसके बाद हम एक साइड से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे। एक साइड से कपड़ा फोल्ड करने के बाद गले के ऊपर और ये इसके हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। इस तरीके से ये हमने कपड़े के ऊपर गला बैठा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से सेंटर मिला करके गले का सेंटर गले पे निशान लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर सूट के आगे के पल्ले के ऊपर हम गले को बैठाएंगे। ये सेंटर है जो कट लगा हुआ है, ये सेंटर है, इसमें सेंटर पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। सेंटर पे निशान लगा करके गले के हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और जो हमने गले की चौड़ाई का कट लगाया था उसको हम इस तरीके से गले को रख कर एक साइड हमने ये बुकरम पे लगा लेंगे सिलाई, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से गले के किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद लगाने के बाद हम सेंटर जो हमने सेंटर गले का है इसको और सूट के सेंटर को हम मिला करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सेंटर मिला करके गले के और सूट के सेंटर को और सिलाई लगाएंगे बीच से। ये सेंटर की सिलाई लगाने के बाद जैसे हम गले का शेप है उसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक साइड गले के सिलाई लगा ली है, ध्यान रहे कि बुकरम के ऊपर ना चढ़े, बुकरम के किनारे किनारे। ये हमने पूरे गले पे सिलाई लगा ली है। अब जो ये बीच का कपड़ा है इसको हम एक पैर के मार्जिन से कटिंग करते हुए निकाल देंगे बीच के कपड़े को। इस तरीके से हमने बीच का कपड़ा कटिंग करके निकाल लिया है। फिर उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको हम गले को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर गले के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे इस तरीके से। अब इसके बाद हम एक साइड हम इस तरफ हम पाइपिंग लगाएंगे सलवार के कपड़े की। अब हम पाइपिंग लगाने के लिए और एक पट्टी काटेंगे। और एक पट्टी हम पहले दिखा चुके हैं किस तरीके से और एक पट्टी कटिंग होती है, स्पेशली हमने दिखाया हुआ है। अब हम पाइपिंग लगाएंगे, ये और एक पट्टी हमने बना ली है। अब हम एक साइड पाइपिंग लगाएंगे तो इसको हम फ्रंट पल्ले को हम इसको उल्टा रखेंगे इस तरीके से, उल्टा करके सीधी साइड नीचे की तरफ। फिर उसके बाद हम जो और एक पट्टी जो हमने ली है इसको हम जो हमने ये फोल्ड करा है एक साइड वो नीचे की तरफ रखेंगे और सीधी साइड ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रख लेंगे। और जैसे गले की शेप है किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। एक साइड हमने किनारे किनारे सिलाई लगा करके पट्टी लगा ली है,
सेंटर तक, फिर उसके बाद अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। और जो हमने ये सेंटर तक पट्टी लगाई है और एक इसको हम थोड़ा सा एक आधा एक इंच छोड़ करके इस तरीके से कटिंग कर लेंगे पट्टी को। फिर उसके बाद पट्टी को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बारीक पाइपिंग किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे जैसे गले की शेप है। इस तरीके से हमने एक साइड पाइपिंग लगा दी है। इस डिजाइनर गले पर आप लेस और बटन लगाकर और भी खूबसूरत बना सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी डिजाइनर गले पर थ्रेड वर्क कैसे किया जाता है। टेक केयर, बाय बाय।